ACL रिवीजन सर्जरी, मतलब दोस्तों जो आपके पहले जो ACL की सर्जरी हुई है उसमें या तो दोबारा चोट लग गई है या वो ढीला पड़ गया है और आपको वापस वही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ACL रिवीजन सर्जरी मतलब दोबारा ACL सर्जरी कैसे की जाती है, कितनी स्टेजेस में सर्जरी होती है, उसको कैसे ठीक किया जाता है और कितनी जल्दी रिकवरी होती है, आज हम उसी पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ACL एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। दोस्तों ACL सर्जरी कई बार फेल हो जाती है, कई बार आपको दोबारा चोट लग जाती है, कई बार जब रिहेबिलिटेशन अच्छा नहीं होता तो फेल हो सकती है। रिहेबिलिटेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है पर क्योंकि ACL का ग्राफ्ट 6 मंथ्स तक वीक रहता है जब हम नया लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप 6 मंथ के दौरान कल को गिर गए, फिसल गए, झटका लग गया तो भी लूज़ होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन में आपको बहुत सारी समस्याएं वापस आने लगती है। ACL सर्जरी के बाद आपको दोबारा लचक महसूस हो सकती है, कि आपको लचक आ रही है, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका घुटना अटक रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अपने सिम्टम्स को देखते हुए अंदाज़ा लगाना कि आपकी सर्जरी फेल हो गई है वो गलत है, क्योंकि 6 मंथ्स तक इस तरह के सिम्टम्स नॉर्मल ACL रिकवरी में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी मसल्स वीक हो। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर से वापस कॉन्टेक्ट कीजिए, हो सकता है कि वो आपको कुछ नई एक्सरसाइजेज बताए आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स आना बंद हो जाए धीरे धीरे, जैसे कि आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। बहुत मसल्स स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अगर ये सिम्टम्स आए जा रहे हैं या फिर आपको कोई एक्यूट हिस्ट्री है ट्रॉमा की, भैया सब कुछ सही था एकदम से चोट लगने के बाद सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप MRI करा सकते हैं। MRI कराने से पहले आपको जो ऑपरेटिंग सर्जन है आपका उनसे बात करनी ज़रूरी है कि आखिर आपके अंदर जो इम्प्लांट लगे हैं क्या उसमें MRI हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुछ इम्प्लांट्स MRI कॉम्पैक्टिबल होते हैं, कुछ इम्प्लांट MRI कॉम्पैक्टिबल नहीं होते हैं। अगर आपकी इम्प्लांट MRI कॉम्पैक्टिबल है तो आप MRI कराइए, उसमें आ जाएगा कि आखिर ACL का जो ग्राफ्ट है उसमें वापस कहीं रीटियर तो नहीं हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन से और MRI से दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पता लगाते हैं कि आपकी जो ACL सर्जरी है वो कहीं फेल तो नहीं हो गई है, वापस रीटियर तो नहीं हो गया। तो आखिर अगर फेल हो गई है या फिर रीटियर हो गया तो आखिर कौन सी सर्जरी है, कितनी देर की सर्जरी होती है, हम कैसे इसको करते हैं, कैसे इसका रिहेबिलिटेशन था, आज हम उसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो आपकी पहली सर्जरी हुई भी है, हो सकता है कि वो कन्वेंशनल मेथड से हुई हो, तो पहली सर्जरी में आपके अंदर इस तरह की ACL की टनल होती है, ये ACL का ग्राफ्ट है। ऊपर इस ग्राफ्ट को एक बटन से फिक्स किया गया है और नीचे उसमें लगाया गया है स्क्रू इस तरह से। ये जैसे आपका नया ये आपका ग्राफ्ट है ACL का जो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया है, ऊपर इसको बटन से फिक्स किया जाता है। बटन और ग्राफ्ट के बीच में होते हैं फाइबर वायर और नीचे लगाया जाता है स्क्रूज़। तो कई तरह के स्क्रूज़ होते हैं, इनमें से कोई भी स्क्रू हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर फीमर टीबे में टनल बनाने के लिए। तो यहाँ नीचे स्क्रू होता है और ऊपर आ जाता है बटन। अब ये सर्जरी अगर वापस चोट लगने के कारण फेल हो गई है और दोबारा हम यही सर्जरी करना चाहते हैं स्क्रू वाली, तो दोस्तों एक बात नोट कीजिए कि ऑलरेडी आपके बोन में खड्डा हो रखा है, यहाँ पे भी टनल बनी हुई है, यहाँ पे भी टनल बनी हुई है। रिवीजन सर्जरी में हम स्क्रू निकालेंगे, कई बार खुल जाता है तो भी उसका मटेरियल निकालना पड़ता है, ऊपर का सारा ग्राफ्ट निकलता है, तो ये ऑलरेडी एक होल हो रखा है। अब इस होल में अगर हम मैं दोबारा ये टेंडन डालता हूँ और हम वापस यही फिक्स करते हैं, आप मानिए कि जैसे एक दीवार है, दीवार के अंदर आपने कील लगा रखी है या स्क्रू लगा रखा है, जब स्क्रू निकालेंगे तो ये खड्डा रह जाएगा, इसमें दोबारा स्क्रू डालेंगे तो ये ढीले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऑलरेडी टनल बनी हुई है। तो बहुत सारे सर्जन्स इसमें ऐसा करते हैं कि आपका स्क्रू निकाल लेते हैं, ग्राफ्ट निकाल लेते हैं और ये जो टनल है इसको बोन ग्राफ्ट से फिक्स किया जाता है। आपका जो इलाइक क्रेस्ट है वहाँ से आपके हड्डी के टुकड़े निकाल के इसमें भरे जाते हैं और आपको घर भेज दिया जाता है। 6 महीने के बाद आपकी दोबारा सर्जरी होती है जब ये हड्डी पूरी भर चुकी होती है। तो कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी करने में आपको 2 बार सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो होल है उसको भरना ज़रूरी है, उसको हड्डी से भरा जाता है और 6 महीने लगते हैं उस हड्डी को स्ट्रांग होने में दोबारा सर्जरी करने के लिए। अब अगर मैं रिवीजन सर्जरी इंटरनल ब्रेस मेथड से करूं तो हमें 2 सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी दोस्तों? क्योंकि इस तरह का आपका टनल ऑलरेडी बना हुआ है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में
हम आपके पेरोनियस लॉन्गस या क्वाड्रिसेप्स के टेंडन से आपका नया ACL बनाते हैं। उस ACL को हम ऊपर ऑटोमेटिक बटन से फिक्स करते हैं। नीचे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी होल पुरानी सर्जरी का हो रखा है, तो हम इसमें नीचे भी बटन लगाते हैं, पर नीचे वाला बटन थोड़ा बड़ा होता है। बटन फिक्सेशन आपके अंदर होल पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है वो आती है बाहर के आउटर कॉर्टेक्स से। तो बाहर आपने कभी अगर बोन देखी हो दोस्तों, तो बाहर से मोटी होती है, उसका कॉर्टेक्स मोटा होता है, अंदर मेटाफाइशियल एरिया है जो कि लेस डेंस होता है। तो बटन का फिक्सेशन बाहर से आएगा कॉर्टिकल फिक्सेशन है, स्क्रू का फिक्सेशन मेटाफाइशियल फिक्सेशन है। तो मेटाफाइशियल फिक्सेशन अंदर होता है, कॉर्टिकल फिक्सेशन बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ फिक्सेशन में अगर अंदर बड़ा भी खड्डा है तो भी लूज़ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अब मेरा पूरा सपोर्ट बाहर की हड्डी से आ रहा है, ना कि अंदर की हड्डी से। इसीलिए इसको सिंगल स्टेज में किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर फाइबर टेप का इंटरनल ब्रेस जाता है, जो बटन से बटन तक इस तरह से रहता है, जो आपके नए लिगामेंट को बचा के लगता है। उसका मॉडल हम इस तरह से दिखाएंगे कि ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक बटन लगा हुआ है, ये नीचे वाला बटन लगा हुआ है, नीचे वाला बटन थोड़ा बड़ा होता है। ये आपका नया लिगामेंट है जो हमने बनाया है। ये जनरली पेरोनियस टेंडन या क्वाड्रिसेप टेंडन को निकाल के फोल्ड फोल्ड करके बनाया जाता है, और बटन से बटन जाता है फाइबर टेप। अब ये फाइबर टेप दोस्तों आपका जो नया ACL है उसको बचा के रखता है, आपके नए ACL को बचा के रखता है। ये ना उसको लंबा होने देता है, ना फटने देता है, ना खींचने देता है। इसके कारण अगर आप सर्जरी के 6 महीने के अंदर, जब आपका लिगामेंट वीक है, उस दौरान भी कल को आप फिसलते हैं, गिरते हैं, झटका लगते हैं, तो ये टूटने के चांसेस नहीं होते। ये आपको सीट बेल्ट के तरह बचा लेता है ये फाइबर टेप। इसी वजह से सिंगल स्टेज में रिवीजन सर्जरी की जाती है। सर्जरी के अगले दिन से ही आप पूरा वेट डाल के चल सकते हो। क्यों चल सकते हो? क्योंकि जब वेट डालते हैं पूरा वेट, तो ये लिगामेंट के पे स्ट्रेस पड़ता है और ये लूज़ हो सकता है। पर क्योंकि इसमें फाइबर टेप लगा हुआ है, तो ये एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ने नहीं देगा, तो आप पूरा वजन डाल के चल सकते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से हम लगभग 100 डिग्री तक पैर बैंड कर सकते हैं। पैर बैंड करने भी लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है, पर क्योंकि फाइबर टेप लगा हुआ है, तो स्ट्रेस से आपका लिगामेंट फटेगा नहीं, लंबा नहीं होगा, वो उसको एक्सेसिव स्ट्रेस से फाइबर टेप बचा के रहेगा। इसी तरह से हम 1 मंथ के अंदर जॉगिंग इनिशिएट कराएंगे, और 3 मंथ्स के अंदर हम आपका रनिंग प्रोग्राम इनिशिएट कराएंगे, जो आपको क्विक रिकवरी देगा, पेन भी कम होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें नी मूवमेंट पूरा 1 महीने में आता है, पूरा नी बेंडिंग में आती है, तो नी स्टिफनेस के चांसेस नहीं रहते। दूसरा, आपका वर्क लॉस कम होगा, आप आराम से जल्दी काम पे जा पाएंगे, जल्दी रिकवर हो पाएंगे, और फेलियर के चांसेस रिड्यूस्ड रहते हैं। सिंगल स्टेज में इस तरह से ACL सर्जरी की जाती है दोस्तों। इसमें आपकी हड्डी काट के लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। हम सर्जरी के बाद हर वीक पेशेंट को कॉल करते हैं, उनको एक्सरसाइज सिखाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी ACL सर्जरी करने के बाद कोई दिक्कतें आ रही है, जैसा कि लचक आना, कट कट की आवाज़ आना, सूजन आना, कॉन्फिडेंस नहीं आना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपनी या तो MRI भेजिए, या फिर लिख के भेजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक MRI पहले भी कराई जा सकती है देखने के लिए कि आखिर आप ACL सर्जरी या ग्राफ्ट कैसा है, और मैं उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि आखिर सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए। हो सकता है सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएँ।